नमस्कार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजिली में आज के वीडियो में हम एज एलिमेंट पर बेस्ड अपना थ्योरम नंबर टू जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं इससे पहले एक थ्योरम जो है वो ऑलरेडी डिस्कस करी जा चुकी है इस टॉपिक पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स और रिजल्ट हैं जिनको आप आसानी से एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये सिंपल भी है ज़रूरी ये है कि आपके जो कॉन्सेप्ट हों वो अच्छे से क्लियर हो ताकि आप इन थ्योरम्स को अच्छे से समझ पाए थ्योरम के स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है लेट ए बिलोंग्स टू के बी एलजेब्राइक ओवर एफ वेयर के इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ देन एफ ए यानी कि ए ज्वाइंट ऑफ फील्ड एफ विद ए इज़ इक्वल टू दिस एफ ए तो ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है तो चलिए इसका प्रूफ जो है वो स्टार्ट करते हैं टू प्रूव एफ ए इज इक्वल टू एफ स्क्वायर ब्रैकेट ए हमें पता है कि एफ स्क्वायर ब्रैकेट ए जो है वो कंटेन करता है एफ ए के अंदर बिकॉज एफ यानी कि एड ज्वाइंट फील्ड ऑफ एफ विद ए इज अ फील्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ एफ ए ये हमने जब हमने एक्सप्लेनेशन पार्ट करा था एड फील्ड का उस एडाइनिंग फील्ड का उस टाइम पर हमने ये चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया था तो हमारे पास में एक साइड की कंटेनमेंट तो आ चुकी है अब हमें सिर्फ इतना प्रूफ करना है नाउ टू प्रूव एफ ए कंटेंट इन इक्वल टू एफ स्क्वायर ब्रैकेट ए ये चीज़ हमें यहां पर प्रूफ करनी है इसके लिए हम सबसे पहले तो एक मैपिंग डिफाइन करते हैं डिफाइन थीटा फ्रॉम एफ एक्स टू एफ ए बाय थीटा ऑफ एफेक्ट्स इसके एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं ये हमारे पास पॉलिनोमियल रिंग है इसके एलिमेंट्स जो है वो पॉलिनोमियल होते हैं थीटा ऑफ एफेक्ट्स इज इक्वल टू एफ ए हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि थीटा जो है वो एक ऑन टू होमोमोरफिज्म है ये आपका पार्ट है आपको एज अ होमवर्क आपको इस चीज को यहाँ पर वेरीफाई करना है देन वी कैन वेरीफाई दैट थीटा इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज़म हम इस चीज़ को ईजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि थीटा जो है वो एक ऑन टू होमोमॉरफिजम है ये मैं यहाँ पर पार्ट इसलिए स्किप कर रही हूँ क्योंकि वन वन ऑन टू ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बहुत बार करा चुकी हूँ और इसका जो ऑन टू होमोमॉर्फिज़म है वह सिंपल है आपको सबसे पहले इसको वेल डिफाइंड प्रूफ करना है ऑन टू और होमोमॉर्फिज़म यहां पर रिंग होमोमोर्फिज्म की बात कर रहे हैं हम तो यहां पर होमोमोर्फिज्म विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों करके आपको दिखाना होगा यहां वाला पार्ट जो है मैं यहां पर स्किप कर रही हूं देन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म बाई कर्नल थीटा इज आइजोमॉर्फिक टू एफ ए हमारे पास में हम चाहे फर्स्ट थियोरम ऑफ आइजोमोरफिजम कह दें या फंडामेंटल थियोरम ऑफ रिंग होमोमोरफिजम कह दें एफेक्स बाय कर्नल थीटा जो है वो आइजोमॉर्फिक होगा एफ ए से अब हम देखते हैं कि कर्नल थीटा के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स आते हैं कर्नल थीटा के अंदर हमारे पास में आएंगे कर्नल थीटा के अंदर हमारे पास में एलिमेंट्स आएंगे एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच दैट थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो जहां पर हमारे पास में ये ज़ीरो क्या है ज़ीरो ऑफ एफ ए तो ये आ जाता है अब देखिए कर्नल थीटा इज इक्वल टू एफेक्स बिलोंग्स टू एफेक्स सच दैट थीटा ऑफ एफेक्ट्स क्या आएगा एफ ए इज इक्वल टू जीरो यानी कि पॉलिनोमियल रिंग के ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनका ए जो है वो रूट है और हम जानते हैं कि ऐसे पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास में ए जो है वो एल्जेब्राइक ओवर एफ है नाउ सच पॉलिनोमियल्स एग्जिस्ट बिकॉज ए इज एल्जब्राइक ओवर एफ अगर ए एल्जेब्राइक ओवर एफ है इसका मतलब कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा जिसका ए जो है वो रूट होगा इसका मतलब कि कर्नल थी थीटा जो है वो हमारे पास में क्या हो गया नॉन एम टी अब देखिए ये चीज़ हमने पहले ही कर रखी है कि एफ ए जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है और अगर एफ ए एक इंटीग्रल डोमेन है तो आपको पता है कि एफ एक्स बाई कर्नल थीटा जो है जो इसके साथ में आइजोमॉर्फिक है तो ये वाला जो पोशन है एफ एक्स बाई कर्नल थीटा ये भी एक इंटीग्रल डोमेन होगा एफ एक्स बाई कर्नल थीटा इज एन इंटीग्रल डोमेन अगर ये एक इंटीग्रल डोमेन हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ कर्नल थीटा इज अ प्राइम आइडियल ऑफ एफेक्स ये हमारे पास में एफेक्स का क्या आ जाता है एक प्राइम आइडियल रीजन क्या है हमने बहुत बार ये वाली थ्योरम को कर रखा है एम इज अ प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली इफ आर बाई एम इज एन इंटीग्रल डोमेन तो ये वाली चीज हमने बहुत बार कर रखी है इसका मतलब क्या हुआ कि कर्नल थीटा जो है वो प्राइम आइडियल बन जाता है एफ एक्स का अब हमारे पास में ये प्राइम आइडियल हो गया तो यहाँ पर यह मैक्सिमल आइडियल भी बन जाएगा कर्नल थीटा इज अ मैक्सिमल आइडियल ऑफ़ एफेक्स रीज़न क्या है हमारे पास में देखिए एफ एक फील्ड है एफ अगर एक फील्ड है तो हमारे पास में एफेक्स क्या हो जाएगा एक यूक्लिडियन डोमेन और हर एक जो यूक्लिडियन डोमेन होता है वो क्या होता है पी आई टी दे आर फोर एफक्ट्स एस पी आई टी तो इसलिए हमारे पास में यहां पर कर्नल थीटा जो है वो मैक्सिम आइडियल बन जाता है एफेक्स का अब अगर कर्नल थीटा मैक्सिमल आइडियल बन जाता है एफेक्स का इसका मतलब कर्नल थीटा सॉरी एफेक्स बाय कर्नल थीटा क्या बन गया आपके पास में इज अ फील्ड ये क्या बन जाता है एक फील्ड रीजन क्या है बिकॉज एम इज मैक्सिमल आइडियल इफ एंड ओनली इफ आर बाई एम एज ओ फील्ड यहाँ पर हमने क्या प्रूफ कर दिया एफेक्स बाय कर्नल थीटा फील्ड है इसका मतलब कर्नल थीटा जो है सॉरी यहाँ पर हमने क्या प्रूफ करा है कि कर्नल थीटा जो है वो मैक्सिमल आइडियल है इसका मतलब हमारे पास में एफेक्स बाय कर्नल थीटा जो है वो एक फील्ड बन जाता है अब अगर ये फील्ड बन गया तो इसकी ये किसके साथ में आइजोमॉर्फिक है एफेक्स बाय कर्नल थीटा किसके साथ में आइजोमॉर्फिक है यह एजोमोफिक है एफ ए के साथ में इसका मतलब एफ ए जो है वो भी एक फील्ड बन जाता है ये एक फील्ड बन गया अब हमें ये चीज पता है ऑल्सो एफ एंड ए बिलोंग्स टू एफ ए ये चीज हम जानते हैं बट एडजोइनिंग फील्ड एफ ए यानी कि एफ दिस ब्रैकेट ए इज द स्मॉलेस्ट फील्ड स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग बोथ एफ एंड ए इसका मतलब हमारे पास में क्या हो गया कि एफ ए किसके अंदर कंटेन कर जाएगा ए ज्वाइनिंग फील्ड एफ ए के अंदर देअ फोर हमारे पास में ज्वाइनिंग फील्ड एफ ए इज इक्वल टू एफ ए और यही चीज हमें आज के वीडियो में प्रूव करनी थी एक और थ्योरम है उसके बाद में मैं और चेक करती हूँ पे बेस्ड काफी थ्योरम्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ लिया जाता है एक और थ्योरम है इस पे बेस्ड जहाँ पर हम ये बात करेंगे कि हमारे पास में डिग्री ऑफ जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिग्री ऑफ एफ ओवर एफ ज इक्वल टू डिग्री ऑफ इर रिड्यूसेबल पॉलिनोमियल इर रिड्यूसेबल पॉलिनोमियल ऑफ इर रिड्यूसेबल पॉलिनोमियल ऑफ एफेक्ट्स सेटिस्फाइड बाई ए ये चीज हमें आज के वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला जो थ्योरम है वो प्रूव करेंगे उसके बाद में जो हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ एल्जेब्राइक एलिमेंट कि हमारे पास में अगर कोई भी एलिमेंट है वो ओवर अ फील्ड एफ अगर एल्जेब्राइक आती है तो उसकी डिग्री क्या होगी और उस पर बेस्ड थ्योरम्स जो हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोज़ देखने के लिए लर्न मैथ ईजिली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग